अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं बिज़ी रहती हूँ इस टाइम क्योंकि स्टोरी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तो उस वजह से आज मुझे मौका मिला अपलोड करने का। ब्लॉग ये मिनी ब्लॉग ही है। हम दिघने बल गए थे, जो गांदरबल से रास्ता आलस टैंक से रास्ता जाता है वहाँ की ओर। ये बहुत हाइट पे है और दिघने बल के एंड पे एक वाटरफॉल है, लेकिन वहाँ तो हम जा नहीं पाए क्योंकि हम बीच से ही वापस टर्न कर दिया। हम आधे रास्ते से ही हमने वापस ही टर्न किया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मिनी ब्लॉग भी बन जाएगा तो आप लोग भी दिघने बल का टूर करेंगे मेरे साथ। अभी तो इंशाल्लाह व्लॉग्स रोज़ आएंगे क्योंकि अभी मैंने कुछ व्लॉग्स बना के रखे, तो उनको बस एडिट करना है, फिर मैं वो अपलोड करूँगी। आप बस मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए मेरी चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनली ये हम दिघने बल के रास्ते पे पहुँचे। मैं आप लोगों को एक जोक बताऊं, जब तक हम वहाँ पहुँचे मुझे तब तक पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और एट द एंड मैंने सुना कि ये दिघने बल का रास्ता जाता है, क्योंकि मैं आज पहली बार वहाँ से जा रही थी, मुझे नहीं पता थी कि ये कौन सा रास्ता और कहाँ की तरफ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ऊपर तक जाएंगे जहाँ पर वाटरफॉल होता है, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको ज़रूर वो व्लॉग फिर दिखाऊँगी। हम जो ही इसको ऊपर की ओर जाता है, तो जब हम नीचे की ओर नज़र डालते हैं, ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा दिख रहा होगा ये जो ग्रीनरी है जिस साइड से, इस साइड से हमें दरगाह शरीफ भी दिखाई देता है, हमें स्किम्स भी दिखाई देता है, और मतलब हमें नीचे का पूरा व्यू, डल लेक भी हमें वहाँ से, चार चिनारी डल लेक हमें वहाँ से दिखाई देता है। इस टाइम तो हम वापस ही उतरे, तो लेकिन जब हम आएंगे फिर से तो तब हम वाटरफॉल तक ज़रूर जाएंगे और तब मैं पूरा व्लॉग बनाऊँगी। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग, मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।